हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज़्ज़ा सैंडविच। अभी मैं देखिए, आप मैं ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं: प्याज, शिमला मिर्च, पनीर, टमाटर, मोज़रेला, बटर, ब्रेड, काली मिर्च, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉस और नमक। सबसे पहले हम ब्रेड लेते हैं। ब्रेड को हम बटर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा दोनों स्लाइस पर। ये देखिए, दोनों स्लाइस पर हमने बटर लगा दिया है। ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है, बच्चे खाते बहुत मज़े से खाते हैं इसको। ये देखिए, हमने दोनों स्लाइस पर बटर लगा दिया है। अब इसके बाद एक स्लाइस पर मैं इसमें सॉस लगाऊंगी। सॉस ये सिंपल है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो लगा सकते हैं। मैंने सिंपल वाली सॉस ली है। ये देखिए, इसको मैंने सॉस लगा दी है। अब मैं इस पर थोड़ा सा चॉप्ड अनियन, थोड़े टमाटो, टमाटो हम सीड्स निकाल कर तब मैंने इसको इसको चॉप किए हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च, और पनीर। पनीर मैंने दो तरह से रखा हुआ है, पीसेस में भी और मैश करके भी, आप कैसे भी ले सकते हैं। इसमें मैंने पीसेस करके लगाया है। इस पर हम ग्रेटेड मोज़रेला डाल देंगे। ये देखिए, मोज़रेला थोड़ा अच्छा डालते हैं क्योंकि बच्चों को मोज़रेला का टेस्ट बहुत पसंद आता है। क्वांटिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा सी रखते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ी काली मिर्च, और थोड़े से चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स अगर अपने पास ना हो तो आप नॉर्मल चिली डाल सकते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट। सॉस और मोज़रेला बटर सब में सॉल्ट होता है, तो नमक थोड़ा कम ही रखते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसको बटर वाले स्लाइस साइड से इसको ऐसे रख दिया है, हल्का सा इसको प्रेस कर दिया जिससे वो उसके साथ चिपक जाए। अब इस पर मैं दोबारा से इसके ऊपर बटर लगाऊंगी। आप इसमें वेजिटेबल कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपके बच्चे खाते हों। ये देखिए, इसमें मैंने बटर लगा दिया है। बटर लगा के हम इस पर थोड़ा सा मोज़रेला डाल देंगे। ऊपर हम थोड़ा मोज़रेला कम ही रखेंगे। इसमें थोड़ा सा टमाटो, थोड़ी अनियन, ऊपर वाली साइड थोड़ा कम ही लगाते हैं। थोड़ा सा हमने शिमला मिर्च लगाया। इसमें हमने मैश्ड पनीर लगा दिया है। इस पर भी हल्का हल्का, हल्की सी काली मिर्च, क्योंकि हमने अंदर भी डाल दिया तो इसमें हल्की ही डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। हल्का सा चिली फ्लेक्स,
हल्का ओरिगैनो, हल्का सा इसमें सॉल्ट। ये देखिए ये सब तैयार हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा मोज़रेला ऊपर से डाल देते हैं। जिससे सारा जो मटेरियल है ये कवर हो जाए। थोड़ा सा हमने इसको डाल दिया है मोज़रेला को कवर करते हुए इनको। देखिए अब हम इसको OTG में लगाने चलते हैं। मैंने OTG प्रीहीट करके रखा है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। अब इसको OTG में लगाएंगे। ये अब हम OTG में रख देंगे। हम 10 मिनट्स के लिए इसको 180 डिग्री पर ऑन कर दिया मैंने OTG। ये देखिए मैं दूसरा बना रही हूँ। इसमें भी थोड़ा सा ओरिगैनो, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ऊपर हल्का बटर लगा लेते हैं। बटर हम इसलिए लगाते हैं जिससे वो मेल्ट होकर उसको हल्का सा क्रिस्प आ जाए। उसमें ज़्यादा नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का पूरे में आ जाए बस। इसमें मैं यहाँ पर मोज़रेला नहीं लगा रही हूँ, इसमें मैं सीधे सॉस लगा रही हूँ। यहाँ कुछ लोग मोज़रेला कम पसंद करते हैं तो इसमें ऊपर नहीं लगाया मैंने यहाँ पर। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें मटेरियल सारा लगा दूँगी। ये देखिए थोड़ी सी अनियन आ गई। ये अभी शिमला मिर्च और ये आ गया हमारा पनीर के पीसेस और थोड़ा सा क्रस्ट भी डाल दिया मैंने साथ में। ऊपर हल्की सी काली मिर्च, ओरिगैनो अगर नहीं भी आपके पास तो भी कोई बात नहीं, आप हल्की सी अजवाइन भून के उसको पीस के वो भी डाल सकते हैं, या पिज़्ज़ा सीजनिंग हो आपके पास वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें मोज़रेला ग्रेट कर दूँगी। ये देखिए इसके ऊपर ये देखिए हमारा पहले वाला पिज़्ज़ा सैंडविच तैयार है। ये देखिए आई मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। मैं पहले इसको दूसरे सैंडविच को लगा देती हूँ। इसको मैंने OTG में लगा दिया है। हम टोस्ट पे लगाते हैं इसको और हम 10 मिनट से थोड़ा कम पे लगाएंगे क्योंकि हमारा OTG बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है इस वक्त। ये देखिए ये अब तैयार है। इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। अगर आपको आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसको नाइफ से भी काट सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे लुक आती है इसकी, बिल्कुल बाजार जैसी। मोज़रेला भी बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।